स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, राइट, दैट इज टर्म्ड एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट. ओके, दैट कैन बी टर्म्ड इन टू थिंग्स, दैट इज एदर टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट. ऑलराइट, सो इन पाइथन यू हैव फर्स्ट फाइव tokens, or you can say you have five tokens over there. Ankit has in basic building blocks of any programming language. Yeah, you can say the smallest individual unit is called as a token. Alright, okay. So how many tokens in Python we have? We have five, right? That is your keywords, identifiers, literals, operators, and punctuators. So we'll be going with an example, and then sabke through we'll be seeing that what are respectively a particular example dekhenge, aur un sabke through kya dekhenge. Where exactly are the keywords, the identifiers, the literals, the operators, and the punctuators? Okay, so we'll be looking on that. Let's see. So we'll write that tokens in the Python are nothing but, here we can we can make the notes over there, the smallest individual unit in a program. कितने काइंड्स के होते हैं, क्या कहा मैंने, व्हाट आर द टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स. जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, एक घंटे की क्लास है, फिर मैं सोती मैं ज्वाइन ही करते रह जाता हूँ. तो एक सैंपल प्रोग्राम चेक करते हैं एंड देन विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स. ठीक है, let's say for range of 1 to 15, if I is divisible by 2, which leaves the remainder as 0, we'll print the values of I. Okay, and let's see for I in indentation error are there. So we see the values of 2, 4, 6, 10, 10, 11, sorry, 10, 12, and 14. They guy, ye values hain jo ki 1 se 15 ke beech mein lie karti hain aur 2 se divide hokar 0 as a remainder leave karte hain, right? Okay, chal. Aage dekhte hain. So we'll be discussing that. What are keywords? Okay. What are keywords? So in any programming language, keywords are nothing but some of the special names or reserved names of bolo that are already present in a particular language. Okay. So these are predefined words with special meanings to interpret or to compile any particular code. Right? Okay. सबको वॉइस आ रही है ना, एक बार वापस से बता दो. यहाँ चैट बॉट में yes या no? yes sir, सबको वॉइस आ रही है? yes sir, to write. yes sir, all right. ठीक है, I guess कि everyone is listening. yeah, okay, fine, I can see yes over there. चलो, so what are keywords? Let's see. मैं सिर्फ ऐसा definition दे रहा हूँ और will be describing there. So keywords को हम क्या कहेंगे?
have the special names or the reserved names that are already present. So we are learning Python, so write already primitive type. Okay. And most probably kya kehte hain inko? Predefined. तो कितने कीवर्ड्स हैं नाउ वी नीड टू सी हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन है ना सो वी विल सी इट विद द हेल्प फंक्शन द लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है कि हेल्प ऑफ कीवर्ड्स वी विल सी अ लिस्ट ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको एक लिस्ट मिला कि दीज आर द नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन द पाइथन ठीक है चलो सर या सर अपने कीवर्ड्स बना सकते हैं हाँ अपने कीवर्ड्स बना सकते हैं सर अपने कीवर्ड्स नहीं यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इनबिल्ट कीवर्ड्स जो होते हैं वो इतना ही होता है यू वांट टू सी आप क्या करते हो कीवर्ड मॉड्यूल यू कैन ब्रेक एंड जितने भी कीवर्ड्स हैं आप लिख सकते हो keyword.kws तो आप पर्टिकुलरली क्या करोगे कि एक मॉड्यूल ब्रिंग करोगे ठीक है उसके अंदर से आपने एक फंक्शन लिया kws और उसको प्रिंट करा दिया तो ये सारे लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो आपको इसमें दिख रहा है एक टैबुलर फॉर्म में यही आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट्स दिख रही है ठीक है आदित्य राज को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है और किसी को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या यस नो बोलो यस सर थोड़ी कटकट की आवाज आ रही है बाकियों को अच्छा एक मिनट अभी ठीक है अनम्यूट करके हाँ अब बताओ वॉइस आ रही है ठीक क्या हाँ और बाकियों को जिनको नहीं आ रही है वो लिख देना आदित्य राज आपको नहीं आ रही है तो आप रीजॉइन करिए तो ठीक है लेट मी सी नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या एक सेकेंड नहीं तो नेटवर्क तो ठीक दिख रहा है तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं आपके पास ठीक है अब इनके आगे देखते हैं तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनी ऑफ द कीवर्ड इसमें से किसी भी कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है आप क्या करोगे हेल्प लिखोगे और उस कीवर्ड्स का जैसे मान लो आपने फॉर कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है तो फॉर लिखा रन किया आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल गई सीधा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फॉर कीवर्ड ठीक है चलो और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं यू विल सी द टॉपिक्स रिलेटेड हेल्प टॉपिक्स जैसे आपको दिख जाएंगे ठीक है So, these are the keywords list in Python, what you have, 35, okay, 35 keywords are there. Now, let's see about the identifiers. So, what are identifiers? Nothing but the names given to the different part of the code or the program.
okay, and it can be a variable, an object, or you can say a list, a tuple, a dictionary, a so forth, all the things. Okay, now you can write it. For example, here in the above statement, if I have written for I in a range of this, here I is nothing but denotes a variable. This I is a variable here. Okay, वहाँ पर आई क्या है? एक वेरिएबल है. ओके, सो इफ इन द कोड इज लाइक फॉर जे इन रेंज ऑफ 25 सो फॉर आई इन जे ऑफ 25 print range of J 2 like this. Okay, J J plus 1. Right? So what we'll say that here the J is a identifier क्योंकि वो क्या है एक वेरिएबल है. ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया हो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? लिटरल्स है. तो व्हाट आर लिटरल्स? अगेन नथिंग बट द डेटा आइटम्स व्हिच आर हैविंग अ कांस्टेंट और अ फिक्स्ड वैल्यू. ओके, राइट, एकदम सिंपल लाइंस में विल डिस्कस. ओके, सो दीज आर द डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड और अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, सिंपल सा बात है एकदम. और इट हैज सम टाइप्स, जैसे आप कह लो कि स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, वी हैव न्यूमेरिक लिटरल्स. ठीक है, और आप कह लो कि आपके पास बूलियन लिटरल्स होते हैं या स्पेशल लिटरल्स होते हैं कुछ. ठीक है, तो विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. स्ट्रिंग लिटरल्स में एग्जांपल दे सकते हो आप, इनका आप एग्जांपल दे लो, लाइक एनीथिंग अंडर कोट्स. कोट्स के अंदर में आप जो भी लिख लो, दैट आर लिटरल्स ऑफ द स्ट्रिंग्स. नंबर्स में यू कैन हैव इंटीजर, यू कैन हैव फ्लोट, यू कैन हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, एंड बूलियन आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, या यू राइट ट्रू और फॉल्स फॉर एग्जांपल. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग द एग्जांपल्स. स्पेशल में यू कैन हैव एन एग्जांपल लाइक अ टपल्स. ओके, सो दीज आर द लिटरल्स. तो यहाँ पे लिटरल्स क्या हो गया? जिनका फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होगा. और आइडेंटिफायर्स में आपने क्या देखा कि ये आइडेंटिफायर है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पर इस प्रोग्राम को चेक करें तो आइडेंटिफायर इसमें क्या हो जाएगा? आई है ना, आइडेंटिफायर हो गया. चलो अब व्हाट विल से एज टू बी द लिटरल्स. लिटरल्स क्या मैंने कहा कि एक फिक्स वैल्यू होते हैं. तो लिटरल्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये 0, ये 2, 1, 15, ये सारे क्या हो जाएंगे? लिटरल्स. और ये क्या हो गया? फॉर कीवर्ड, इफ कीवर्ड, इन कीवर्ड हो गए. कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? जल्दी बताओ, यस नो बोलो जल्दी. देखो लिखना मत, नो सर मैं देख नहीं रहा हूँ बार बार, है ना, तो आप बोल सकते हो. या तो किसी को डाउट होगा तो बोलते जाना, फिर मैं कंटिन्यूसली करते जा रहा हूँ. किसी को कोई डाउट होगा तो बोल देना. ठीक है, क्लास के एंड में फिर बताना कोई डाउट है तो. आप लोग बोल तो रहे नहीं हो, फिर तो फटाफट करा लेते हैं. आप लोग बाद में बोलना. लिटरल्स तो क्या हो गया आपके पास? फिक्स वैल्यूज आएंगे. ठीक है, चलो ऑपरेटर्स देखते हैं. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? चलो देखते हैं. ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट
trigger some computation or actions. जब उनको क्या किया जाए किसी variable या किसी data type पर apply करें, right? So what we'll say these operators are those which trigger some computations or actions when applied to any kind of a variable or any data items, right? So इनको लिख देते हैं tokens that trigger computation action when applied to variables. ठीक है, तो इनमें भी टाइप होते हैं, एरिथमेटिक होते हैं, प्लस माइनस डिविजन्स वाले, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में. असाइनमेंट होता बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, रिलेशनल बोलो या कंडीशनल आप बोल लो, ठीक है, लॉजिकल, मेंबरशिप, ऐसे कुछ टाइप्स आप ले लो. फॉर एग्जांपल ले रहे हैं ना, सारे नहीं लिख रहा हूँ, तो लिख दिए तो अब लिख दिए, हटाते नहीं हैं. तो ये सारे टाइप हो गए. तो इनमें ऑपरेटर्स आप देख लोगे, ठीक है, वापस से कर लेंगे प्रोग्राम को. अभी लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है. ये है पंचुएटर्स. व्हाट आर पंचुएटर्स? द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग कोड्स, उनको क्या कहेंगे हम? पंचुएटर्स. ठीक है, ठीक है. तो एग्जांपल्स के लिए क्या ले लोगे, क्या यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली? ये कोट्स, सिंगल कोट और डबल कोट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, ऐसा कुछ, ठीक है, या एट द रेट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करते, कॉमा, कोलन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इक्वल्स टू ऐसा कुछ, या हैशटैग, ampersand, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी एग्जांपल्स, किसके? पंचुएटर्स के. ठीक है, आई थिंक हमने पांचों एग्जांपल्स देख लिए, या फाइव टाइप्स हमने देख लिए कि क्या क्या होते हैं. कीवर्ड्स होते हैं जो स्पेशल नेम्स होते हैं, जिनका कुछ स्पेशल काम होता है, प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, और इनका एक डिफरेंट स्पेशल पर्पस होता है, राइट? उसके बाद हमने देखा क्या, आइडेंटिफायर्स, दोज आर नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा लिटरल्स, दोज आर डेटा आइटम्स विच आर हैविंग अ फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू. तो लिटरल के पास क्या होंगे, ये नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, है ना. ऑपरेटर्स क्या हो गया, टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन एक्शंस, मतलब आपके पास कुछ ऑपरेट, जैसे आपने किसी भी डेटा आइटम या डेटा टाइप या किसी वेरिएबल पर आपको कुछ ऑपरेट करना हो या कोई फंक्शन लगाना हो, तो यू विल बी यूजिंग ऑपरेटर्स. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से यू विल बी यूजिंग ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, उनमें से आप कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हो, तो दैट इज ऑपरेटर्स, राइट? एंड नेक्स्ट इज योर पंचुएटर्स, द लास्ट वन, विच आर नथिंग बट द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस और टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल्स में हमने दे दिए ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो अब अगर वापस से मैं कोड लिखूं, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो लेट्स से ये मिलते हैं उनको क्या है. अच्छा,
ठीक है, तो हमने एक कोड रन कर लिया। अब इस कोड में हमने क्या दिखा कि ये एक वेरिएबल है जिसके पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसने एक लिस्ट स्टोर कर रखा है। अभी ये एक कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड, ओके, दिस इज अ वेरिएबल, या ऐसा लिखते हैं कि फॉर वेरिएबल, फॉर वेरिएबल इन रेंज ऑफ दिस दिस दिस, एक लिस्ट डॉट अपेंड द वेरिएबल, वेर लिख देता हूँ, आई थिंक इतना रीडेबल होगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरिएबल विच यू कैन से फॉर आइडेंटिफायर, ओके राइट। उसके बाद आप ले लोगे एक कीवर्ड, देन यू हैव अ फंक्शन, ठीक है। देखो कीवर्ड्स यू कैन आइडेंटिफाई विद द डीप ग्रीन कलर्स एंड लाइट ग्रीन कलर्स, राइट। डार्क ग्रीन कलर्स आपके कीवर्ड होंगे, लाइट ग्रीन कलर्स आपके फंक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, या नंबर्स होंगे या तो फंक्शंस होंगे। तो दीज आर द फंक्शंस, सॉरी दीज आर द नंबर्स जिनको आप कह लोगे लिटरल्स, राइट। एंड अगेन दीज आर द ऑपरेटर्स, इक्वल इक्वल्स टू एंड देन परसेंटाइल, राइट। दीज आर द ऑपरेटर्स, ये देखो आपने ऑपरेटर यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये आपका आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तीन तीन ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये आया आपका लिटरल्स, ठीक है, इसके बाद फंक्शंस, तो आपने सारे कुछ यूज़ किए। फिर आपने पंचुएटर्स भी यूज़ किया, ये देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स और ये सारी चीज़ें। तो ये हैं फाइव कंपोनेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, ओके, ऑफ द पाइथन, राइट। ओके आगे, नेक्स्ट वी सी। सो द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट स्टार्ट इज योर comments, the next topic, comments and sir, हाँ sir, d dot append क्या है इसमें? हाँ, d dot append क्या है sir? d dot append is a function, ये एक list है, इस list में values add करनी है मुझे, तो 2 से लेकर जैसे 200 तक मैंने run किया, तो एवरी टाइम एक एक करके वैल्यूज ऐड नहीं करूंगा, बस वो फंक्शन है कि जो एक लिस्ट में वैल्यूज ऐड करता है, ओके, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स, चलो मान लो कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, ऐसे कुछ ट्रू वैल्यूज आपको दिख जाएंगे, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ये बस यहाँ पे डिवाइड होकर आके वैल्यूज आ जाएंगे, इनको प्रिंट नहीं करने नंबर्स, तो हम अपेंड कर रहे हैं ये सारे वैल्यूज, तो ये बस एक बूलियन लिस्ट फॉर्म हो रहा है बस, और ये उसके बाद जो आप नंबर लिखते हो वो उसका इंटरवल है। इंटरवल मतलब स्टेपिंग वैल्यू, जैसे पहले 2 आया तो उसके बाद अब 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन 8 आएगा, ये वो है। अगर आपने 3 लिख दिया तो ये फिर 3 के इंटरवल्स पे जाएगा। सो 2 से लेकर 200 तक आप कह सकते हो, बचपन में पढ़ा होगा जंपिंग नंबर्स, बस वही है वो, ठीक है, उतने इटरेशंस या उतने क्लासेस के इंटरवल पे जाना है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो लो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, ठीक है, प्रिंट आई, तो क्या हो जाएंगे, 0 से 10 तक सब, सॉरी 9 तक सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 से चाहिए मुझे, तो 1 से चाहिए तो 1 से लेकर 9 तक आएंगे, 10 नहीं आएगा क्योंकि ये रेंज में पढ़ेंगे बाद में कि क्यों नहीं आता है, क्योंकि लास्ट नंबर वॉट एवर यू राइट इट इज इट डोंट कम राइट।
फ्राई इन रेंज ऑफ दिस, आपको ये दिख गया ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया कि टू में चाहिए तो क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आएंगे। इसमें हमने ले लिया कि 3 के इंटरवल्स में चाहिए तो 1, 4, 7 ऐसे नंबर आएंगे। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो इसके बाद वी नीड टू गो थ्रू, क्या देख रहे थे हम, कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स इज समथिंग लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ नोटबुक, या आप आईपी शेल में काम कर रहे हो या किसी भी वर्जन में काम कर रहे हो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर कमेंट्स ओवर देयर। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लॉन्ग कोड्स या शॉर्ट कोड्स भी कह लो ठीक है, तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कोड्स इफ यू नीड टू क्रिएट नोट्स या इफ यू नीड टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड, तो व्हाट यू डू, यू राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज कॉल्ड कमेंट्स, राइट। कमेंट्स आर नथिंग बट used just to describe a block of codes. क्या लिखेंगे, comments are used to describe the block of codes, या आप शॉर्ट में कह लोगे इसको कि ये क्या होते हैं, notes of the short notes of the code, बस यही है ठीक है। तो there are टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। पहला आता है आपके पास सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा आता है मल्टी लाइन कमेंट ठीक है। तो चलो आगे दोनों को स्टडी करते हैं। एक let's say again I'll insert that this is your single line comment ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट कैसे हो जाएंगे, दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंट को आप कभी भी प्रिंट करोगे है ना, जैसे हमने लिख दिया प्रिंट दिस कमेंट, ये प्रिंट नहीं होता ठीक है। ठीक है चलो, तो इसके आगे देखते हैं। तो कमेंट्स को यू कैन राइट एनीवेयर इन योर कोड, लेट इट बी अबव द कोड और बिसाइड द कोड और बिलो द कोड राइट। सो लाइक इफ आई राइट सिंपल सा, अच्छा ये कोड में नहीं है क्या, जैसे मैंने लिखा आई होप इट इज क्लियर, ऐसा मल्टी लाइन ऐसे लिखते हैं ठीक है। तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 25। अब आप कोड लिख लो कि जैसे हमने लिखा कि बेसाइड बेसाइड का कोड आप लिख सकते हो वैल्यूज, या बिलो द कोड आप लिख सकते हो वैल्यूज, या अबव द कोड आप लिख सकते वैल्यूज, ऐसे ऐसे चलते हैं चीज़ें ठीक है। चलो अब विल सी अबाउट वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, किसी को प्रॉब्लम कमेंट्स में,
कमेंट्स विल नेवर गिव यू एनी आउटपुट. जैसे हमने लिख दिया कि सर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, लेकिन प्रिंट आ नहीं रहा कुछ, लिख दिया प्रिंट 5, ये प्रिंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज द कमेंट. ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे देखते वेरिएबल्स. तो व्हाट आर वेरिएबल्स? दीज रिप्रेजेंट क्या? दैट रिजर्व स्टोरेज लोकेशंस. और क्या होता है इनके पास? कुछ वैल्यूज होते हैं, राइट? सो दीज वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दी रिजर्व स्टोरेज लोकेशंस एंड दीज आर मेड, लिख सकते हैं दीज आर मेड टू स्टोर सम वैल्यूज. ठीक है, अब इनकी कुछ टाइप्स नहीं, ऐसे नहीं है कि इनके टाइप्स होते हैं कि सिर्फ आप यही स्टोर कर सकते हो, राइट? जैसे अभी मैंने लिखा x इक्वल्स 25, या मैंने यहाँ पे लिखा था d इक्वल्स सेलेस्ट, तो आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, राइट? इट कैन स्टोर एनीथिंग, बट दीज आर जस्ट मेड टू स्टोर सम वैल्यूज, ऐसा पता होना चाहिए. तो लिख दिया a इक्वल्स 18, b इक्वल्स str एक स्ट्रिंग ले लो, c इक्वल्स 34, ठीक है, नंबर्स ले लो, कुछ भी ले लो ऐसे. तो दीज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स. अब आप प्रिंट करा सकते हो वेरिएबल्स को प्रिंट फंक्शन के थ्रू, ए बी एंड सी, ऐसा. तो अब यू विल गेट 18 str एंड 34, सिंपल से बात. ठीक है, नाउ इफ यू नीड टू चेक द टाइप, तो टाइप चेकिंग विल डिस्कस. वेरिएबल्स कंप्लीट हुआ अभी, वेरिएबल्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, राइट? तो इन पाइथन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप्स. ठीक है, डेटा टाइप्स को देखते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर. चलो, तो इनके सब टॉपिक्स विल क्रिएट. ठीक है, इनका कुछ सब टॉपिक्स क्रिएट करेंगे हम, तो उसमें देखेंगे आगे. तो सबसे पहला टाइप है आपका न्यूमेरिक टाइप. तो न्यूमेरिक टाइप में यू हैव या न्यूमेरिक टाइप व्हाट इट कंटेन्स, आप कह सकते हो कि दिस कंटेन्स नंबर्स ऑफ सो कंटेन्स नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स. ठीक है, तो व्हाट नंबर्स? इंटीजर्स, जिनका डेटा टाइप लिखते हैं आईएनटी. सेकेंड इज योर हैविंग फ्लोट, जिनका थिंग इज योर फ्लोट. थर्ड इज योर कॉम्प्लेक्स, जिनको हम कहते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स. और फोर्थ होता है आपका रैंडम. उनके कुछ टाइप नहीं होते, आप बस ऐसा रैंडम करके आएगा. ये सारी टाइप्स हैं ऑफ व्हाट? न्यूमेरिक डेटा टाइप. ठीक है, रैंडम में क्या आता है? रैंडम में रैंडम नंबर्स जनरेट किए जाते हैं, रैंडम पढ़ेंगे. एक न्यूमेरिक कंप्लीट हुआ है, फिर रैंडम नंबर्स को देखते हैं क्या. ठीक है, रैंडम नंबर्स मतलब आप एक रेंज दोगे, उस रेंज में आप कोई भी रैंडम नंबर साइमल्टेनियसली जनरेट कर. ठीक है, यस. रैंडम एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट है. जैसे गूगल कोड्स क्रिएट हुए, या फोन नंबर क्रिएट किया आपने, या आपने कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हमने क्रिएट किया कुछ डिक्शनरी के जैसे सैंपल वर्ड्स होते हैं, तो सैंपल वर्ड्स हमने कुछ किए. सैंपल नहीं, आप सैंपल वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, राइट? चलो, तो इंटीजर्स देखते हैं जल्दी जल्दी. तो इंटीजर्स इनको क्या कहते हैं?
काफी सिंपल सा डेफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे इनको, इनको क्या कहेंगे कि एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ठीक है, विदाउट क्या फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल प्लेसेस, और शॉर्ट में क्या आप बोल सकते हैं इनको, बताओ इधर साइड में ऐसा कुछ लिख रहे हैं, और शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं होल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है बस, विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज, रन करें चेक करते हैं, चलो तो ए इक्वल्स 34 ऐसा आप दे दो, 56 माइनस 98 जीरो ऐसा। अब इसमें असाइनमेंट्स होते हैं, सिंगल असाइनमेंट आपने कर लिया, मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड ऐसा दे दिया वैल्यूज 5, 10, 15 ऐसा, मल्टीपल असाइनमेंट्स कहते हैं इनको, राइट। चलो अब जैसे प्रिंट कराना है, प्रिंट करा लिया सबको एक साथ, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये प्रिंट कर लिया, सारे वैल्यूज मिल गया, 34, 56, -98, 0, 5, 10, 15। अब इनका टाइप बाद में चेक करेंगे कि ये कैसे इंटीजर्स, कैसे पता चलता हमको कि ये इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट, तो फ्लोट को क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे, क्यों, इनके डेफिनेशन में आएगा, इनको हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विथ फ्रैक्शनल और द डेसिमल वैल्यूज, तो इनको हम कह सकते हैं रियल नंबर्स, बिकॉज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जिनमें फ्रैक्शनल वैल्यूज है, 1/2 है तो आप लिखोगे 0.5, है ना, 0.5 है तो दैट इज अ फ्लोट, फ्रैक्शन वैल्यू है दैट इज अ फ्लोट, राइट, बट फ्रैक्शंस या डेसिमल पॉइंट्स इंटीजर्स में नहीं होते, राइट, सो दीज आर द फ्लोट्स। अब इनका भी टाइप डिफाइन कर लेते हैं, मान लो दिस इज क्यू इक्वल्स टू 34 point something, आप सिर्फ जीरो भी लगा सकते हो, पॉइंट लगा के छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्यू इक्वल्स 3.2, 0.5, ठीक है, y इक्वल्स 1/3, ठीक ऐसा। मल्टीपल असाइनमेंट्स इसमें भी कर सकते हो, ए एस डी ऐसा स्टोर कर लो वैल्यूज, कैसे 1 point, 2 point, 3 point ऐसा रन किया, प्रिंट लगाया वैल्यूज पे, क्यू डब्ल्यू ई ए एस डी रन किया, तो ये आपको वैल्यूज दिख रहा है 1/3 का, 0.33333 करके आया, 34.0, 0.5, 1.0, 2.0 और 3.0, सिंपल, ठीक है। इसके बाद हाँ सर, फ्लोटिंग वैल्यू को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या फ्लोटिंग वैल्यूज जो है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे सर, 3.0.33 आ रहा है इसको, मतलब टू डेसिमल वैल्यूज तक की प्रिंट करना है। हाँ तो राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे 1/3 आपने यूज किया है तो 1/3 दिया, टू डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये सारे फंक्शन, चलो समझ नहीं बात। चलो कम्प्लेक्स देखना, तो कम्प्लेक्स क्या होता है, कम्प्लेक्स इज नथिंग बट आप इनको शॉर्ट में कह सकते हो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन, राइट। कम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में पढ़ा भी होगा कुछ, आई आयोटा करके, है ना, तो दिस नंबर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है आपका रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसा होता है नंबर का, किस फॉर्मेट में होता है, ए प्लस बी जे ऐसा, ठीक है, तो आपका ए आपका हो जाता है रियल पार्ट, राइट। फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक जेड इज इक्वल्स टू विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी जे, राइट। सो हेयर योर जे, आपको अगर चेक करना है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें से है कौन सा, इमेजिनरी नंबर कौन सा है, रियल नंबर कौन सा है, राइट। सो फॉर चेकिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यू कैन गो विथ जेड डॉट रियल, आपको रियल देगा, एंड z dot
imaginary. Real part z dot imaginary क्या देगा आपको? Imaginary part with float values, मतलब floating points के साथ आपको values मिलेंगे, ऐसा ये चीज है. ठीक है, इधर से कॉमा ले लें. ये तीन ही कंप्लीट हो पाएंगे. तो जैसे मैंने कह दिया कि ए बी सी मल्टीपल असाइनमेंट ले रहे हैं, या एक एक करके ले लो. 5j, ठीक है, b इक्वल्स 2 माइनस 3j, c इक्वल्स 3 पॉइंट प्लस 8j, ऐसा. मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हो, मैं अभी मल्टीपल असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो फ्लोट्स को, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. इनको डिफाइन करना हो तो पहले तो प्रिंट करके चेक कर लो कैसा दिख रहा है, राइट? तो ए बी और सी रन किया तो क्या दिख रहा है वैल्यूज? 5j, 2 माइनस 3j, 3 प्लस 8j. ठीक है, अब यू नीड टू चेक दैट इसमें से कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, रियल कौन से हैं. तो लेट्स से कि हमको चेक करना है कि ए का क्या है. तो रियल पार्ट ऑफ ए कैसे चेक करेंगे? ए डॉट रियल, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी एक साथ कर देते हैं. इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, यहाँ पे लिख दिया ए डॉट इमेज और ये रन किया तो क्या 0.0, 5.0 फ्लोट्स में वैल्यूज, क्योंकि रियल आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ 5j लगाया तो वो इमेजिनरी पार्ट है ना. a प्लस bj है तो bj, तो b का वैल्यू आपको 5.0 और ये ऐसा. ठीक है, ऐसे b का चेक करना है आपको तो b का चेक कर सकते हो कैसे, कि b डॉट रियल क्या मिलेगा आपको? 2.0, और b का इमेजिनरी कितना मिल जाएगा? व्हाट विल सी हियर वैल्यूज विल बी -3.0, 2.0. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टोर होती हैं. ठीक है, रैंडम मॉड्यूल है, जो रैंडम मॉड्यूल को कल वी विल स्टार्ट दिस. तो इट इज जस्ट रैंडम नंबर जनरेटर. ठीक है, तो यू नीड टू इम्पोर्ट दिस रैंडम, आपको रैंडम इम्पोर्ट करना पड़ता है ऐसा. और इनके अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस को आई विल जस्ट प्रिंट. आप ऐसा लिख सकते हो कि सिर्फ रैंडम करके अगर आपको फंक्शन चेक करना है तो you can see all the functions like beta variate, bpf, choice, choices, expo variate, gamma variate, gauss hai, ye sare functions hain jo ki random ke andar aate hain. theek hai, chalo to inko we'll see in the next class. main directory print karke rakh de raha hu unka, to aapke paas ye sare functions dikh rahe hain, kuch around yahan se aayega. gaussian test, beta variates hai. ये सारे कोड्स हैं, कॉपी. हाँ, तो रैंडम के कुछ फंक्शंस होते हैं. कितने फंक्शंस हैं मैं यहाँ स्टोर कर दे रहा हूँ ऐसा. ठीक है, तो यू कैन सी प्रिंट द रैंडम फंक्शंस. ये सारे फंक्शंस हैं, इनसे फिर स्टडी करेंगे आगे कि कौन कौन से फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं. तो ऑल फंक्शंस अभी नहीं पढ़ना हमको, वी नीड टू गो टू द रैंडम फंक्शंस, रेंज फंक्शंस, सैंपल फंक्शंस, सीड फंक्शंस, देन चॉइस फंक्शंस, चॉइसेस फंक्शंस, शफल का फंक्शन. ठीक है, ये सारे फंक्शंस में हमको देखना. ठीक है, चलो. ऑलराइट, आई थिंक नो डाउट्स फॉर टुडे. सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स जो कि हमने पढ़ा.